हेलो एवरीवन, ऋषिराज सिंह, टीम एमएस ट्यूटर। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से, यदि आप एज ए स्टूडेंट हैं या वर्किंग पर्सन हैं और आप एक ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहते हैं, तो वो कैसे बन सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं एक स्टूडेंट्स के या फिर वर्किंग पर्सन के एक ऑनलाइन ट्यूटर बनने के, उस जर्नी को 4 स्टेप्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 स्टेप्स को। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो ये है कि आपको स्पेसिफिक करना है, बेसिकली आप किस क्लास को पढ़ाने वाले हो। क्या आप प्राइमरी क्लासेस को 1st टू 5th, या 6th टू 8th, या 9th 10th, या फिर 11th 12th में जो भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हो वो स्पेसिफिक करना है। जैसे समटाइम्स मैं देखता हूँ हमारे पास में टीचरों से कॉल आते हैं कि सर मुझे एज आपके यहाँ ऑनलाइन ट्यूटर ज्वाइन करना है। मैं पूछता हूँ किस क्लास एंड सब्जेक्ट को, तो बोलते हैं सर 1st टू 12th ऑल सब्जेक्ट्स। सो ये बिल्कुल गलत जवाब है। यदि आप 1st टू 12th ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते भी हो तो भी आप बोलो 1st टू 12th ऑल सब्जेक्ट्स एंड 11th 12th कॉमर्स या फिर बायोलॉजी या फिर मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर जिस भी क्लास एंड सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हो ना उसको स्पेसिफिक करना है। साथ ही साथ इस तरीके से भी स्पेसिफिक करिए कि आप किस बोर्ड्स को पढ़ाने वाले हो, लाइक स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड या फिर इंटरनेशनल बोर्ड। तो आप न केवल बताना है बल्कि आपको अपने आप पे क्लियर करना है कि हमारा जो कमांड है, बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल 9th 10th को मैथ एंड साइंस पढ़ाने का है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं इस क्लास को, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस पढ़ाने वाले हो, जैसे इंग्लिश पढ़ाने वाले हो, तो इंग्लिश में भी क्या स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश ग्रामर या फिर एकेडमिक इंग्लिश। तो बिल्कुल स्पेसिफिक रहोगे तो आपको उतने ही ज्यादा और अच्छे लीड्स मिलेंगी जिनको आप प्रॉपर तरीके से आगे तक कवर कर पाओगे। सेकेंड जो स्टेप्स है वो है कि आपको ऑनलाइन टीचर बनने के लिए क्या क्या बेसिक चीजें जरूरत है, वो चीजें आपको समझना है। उसमें से सबसे पहला चाहिए आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। ऐसा नहीं हो कि आप मोबाइल के इंटरनेट से ही पढ़ा रहे हो और उसी में कॉल्स आ जा रहे हैं जब आप क्लास ले रहे हो, तो आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ और देन फिर स्टूडेंट्स वेट कर रहा है, तो ये एक अनप्रोफेशनल वे होता है। यदि आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल से भी पढ़ा रहे हो तो मेक श्योर आपका उस टाइम पे कोई कॉल्स उसमें ना आए, या फिर आप वो सिम यूज कर रहे हो जिसमें किसी का भी कॉन्टेक्ट चांसेस नहीं है उस टाइम पे कॉल आने का, ठीक है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल से मत पढ़ा के, आपके पास में जो चाहिए आपको एक प्रॉपर लैपटॉप या फिर टैबलेट चाहिए, ठीक है, तो वो होना चाहिए। दूसरा, इस पहला इंटरनेट कनेक्शन, दूसरा आपका टैबलेट या फिर लैपटॉप, तीसरा जो आपको चाहिए एक प्रॉपर एक अच्छी प्लेस चाहिए जहां पे आप बैठो, वहां पे किसी भी तरह का डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि घर में खाना बन रहा है और इधर आवाज आ रही है, फिर घर में कोई बात कर रहा है आपका वहां पे आवाज आ रही है, या फिर कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका आस पास से ही रोड निकली है वहां पे वाहनों की आवाज आ रही है, तो ये क्लियर करिए और ऐसे जगह बैठिए जहां पे कोई भी डिस्टर्ब ना, राइट। इसके साथ में जब आप बात करें तो वॉइस क्लियर हो, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें चाहिए। तो ये हुआ आपका सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप्स है कि आपको, मैंने जैसे बताया कि आपको लैपटॉप चाहिए और टैबलेट चाहिए, तो इसको प्रॉपर आपको ऑपरेट करते आना चाहिए। कैसे, आपको लिंक क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल आप जूम पे क्लास ले रहे हो या फिर गूगल मीट के थ्रू ले रहे हो या फिर कोई अदर तरीके से ले रहे हो, तो उसकी जो लिंक है वो कैसे जनरेट करते हैं, उसको एक सही तरीके से फॉर्मेट में आपको स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करने का, तो ये बेसिक चीजें। साथ ही साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ा रहे हो तो टैबलेट में या कि लैपटॉप में जिसमें आप क्लास ले रहे हो, तो नोट्स में कैसे लिखते हैं, कैसे इरेज करते हैं, कैसे कलर चेंज करते हैं, तो जितने भी बेसिक चीजें हैं वो आपको आना चाहिए सारे गैजेट्स का ऑपरेट करते करने का। तो ये हो गया आपका तीसरा। एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि तो यदि आपको ये सब कुछ आता है, आपके पास सारा कुछ है लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है तो कोई सेंस नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स है, चौथा स्टेप्स, कि आपको स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलने के दो तरीके हैं जिसमें से सबसे पहला है फ्री एंड दूसरा है पेड या चार्जेबल।
तो हम सबसे पहले फ्री वाली बात करते हैं कि फ्री में आपको कैसे स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। यदि थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करोगे या थोड़ा सा सिस्टमैटिक काम करोगे तो आप फ्री में भी आपको लीड्स मिल सकती हैं। उसके लिए आप क्या कैसे कर सकते हो, आप जिस भी क्लास एंड सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हो वो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस, साथ ही साथ फेसबुक स्टेटस में डाल सकते हो। साथ ही साथ यदि आप फेसबुक या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के आप भेज सकते हो। साथ ही साथ आप डेली 100 SMS जो मिलते हैं डेली बेसिस पे उनको आप सही लोगों तक आप मैसेज डिलीवर कर सकते हो एक फॉर्मेट बना के। तो ये तरीके हैं आपके फ्री लीड्स जनरेट होने करने का, ठीक है। अब दूसरा, यदि आपको ऑनलाइन ट्यूटर बनना है और लीड्स चाहिए तो दूसरा तरीका है पेड। वो कैसे, जैसे हम MS ट्यूटर वाले टीचर्स को होम ट्यूशन एंड ऑनलाइन ट्यूशन ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे साथ में रजिस्टर कर सकते हो, हम आपको स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं उनके साथ में कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप कैसे खुद से कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, जैसे पेपर, जो पेपर आते हैं उसमें ऐड डाल के, या फिर पेपर इंसर्ट्स करके। पेपर इंसर्ट ज्यादा इजी है, जिसमें जैसे आपने पेपर अपना कंप्लीट प्रिंट आउट कराया और जहां पे न्यूज़पेपर जहां से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वहां पे जाके आपने मॉर्निंग में डलवाए, तो वो जो पेपर डल के आते हैं उसको बोलते हैं पेपर इंसर्ट्स। तो पेपर इंसर्ट्स करा सकते हैं। साथ ही साथ आप पेड ऑनलाइन प्रमोशंस कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में, खुद से भी कर सकते हैं, उसको सीखें कैसे किया जाता है। यदि उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज या कॉल के थ्रू बता सकते हैं, जिससे हम एक वीडियो बना सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन फेसबुक या इंस्टाग्राम में हम प्रमोशन कैसे कर सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए। तो ये हो गया दूसरा तरीका आपका, पेड तरीका। तो ये चारों स्टेप्स को आप यदि फॉलो करते हो तो आप एक स्टूडेंट से या फिर वर्किंग पर्सन से आप एज आ जो खाली समय है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके एक अच्छा ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन है और ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, आपके काम आए। तो यदि आपको लगा कि ये वीडियो वैल्यूएबल है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।